फूलवंती के पदलालित्य ने पेशवे दरबार को मोहित कर लिया, परंतु वेदमूर्ति वेंकटेश शास्त्री के शब्दों ने फूलवंती के अहंकार को ठेस पहुंचाई। घायल फूलवंती ने शास्त्री के खिलाफ श्रीमंत से फरियाद की। श्रीमंत ने न्याय करने का आश्वासन तो दिया, लेकिन फूलवंती का दिल अपमान की चुभन से तड़पता रहा। ताल और सुर में, लय और सुर में कुछ फर्क भी जानता है? ये क्या श्राद्ध के लड्डू लीला समझ रखा है? जहां गई मेरे नृत्य और संगीत ने इज्जत पाई, इनाम पाया। बड़ौदा के दरबार में तो मोतियों से नहाया था मुझे महाराज ने। एक से एक कद्रदानों की दात पाई है मैंने। सारा हिंदुस्तान मेरे घुंघरू के तले दबा पड़ा हुआ है। अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने लगाई है मैंने। तुझे भी ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर रियाद रखेगा। तुम्हें शहर ने बहुत सताया ना मस्तानी भाई। मैं अपने तरीके से इस बात का बदला लूंगी, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। मैं मुस्कुरा रहा हूं। अरे लक्ष्मी, तुम अभी तक सोई नहीं? आज आधी रात को इन तस्वीरों को यूं देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो, और वो भी ऐसे खुश होकर? राधा का नृत्य देख रहा था। असली नृत्य देखकर आए हो ना पेशवा के महल से? वो एक नर्तिका का नाच था लक्ष्मी, और ये नृत्य है गोकुल की राधिका का। तो यूं कहिए कि नर्तिका का नाच देखकर बेचारी राधिका याद आ गई। कैसा रहा नाच? उत्तम। अभिनय ऐसा जैसे अष्ट नायिकाएं एक जगह समा गई हों। लालित्य भी ऐसा जैसे प्रकृति स्वयं नटी बनकर आई हो। एक सुखद अनुभव था। जो कविता और नाटकों में पढ़ा था वो आज साकार हो गया था। लगता है नर्तिका सिर्फ आपके लिए नाच रही थी। मेरे लिए क्यों नाचती? परंतु यह भी एक सत्य है कि राधा श्री कृष्ण के लिए ही नाच सकती है, और क्या पता स्वयं नृत्य देवता इस नर्तिका के श्री कृष्ण हो। चलिए देवता ही था, मनुष्य नहीं। मेरे लिए तो यही काफी है। तुम बहुत चतुर हो लक्ष्मी, बहुत चतुर हो। हर बात को अपने तरीके से घुमा लेती हो। कौन थी वो नर्तिका? कुछ अच्छा सा नाम था। क्या नाम था? फूलवंती। कहां से आई है? ये सब तो मैं नहीं जानता, और जानकर करूंगा भी क्या। नृत्य देखा, संगीत सुना, आनंद आ गया, परंतु ताल में थोड़ी कच्ची है, बस यही एक दोष है। एक बात पूछो। लगता है कोई बहुत गहरी बात है। पूछो। नारी अगर पुरुष के सामने नृत्य कर रही हो, अनेक भाव प्रकट कर रही हो, जाने अनजाने देह की नुमाइश कर रही हो, तो पुरुष क्या अनुभव करता होगा? मेरे मन की परीक्षा ले रही हो। देखो लक्ष्मी, कला सुख भी देती है और आनंद भी देती है। मन छिछला हो तो देह की मादकता के इर्द गिर्द मंडराता है, और यदि कला के मर्म को समझता हो तो भावों के सागर में डूब जाता है, और उस समय कलावंत भी
तो क्या फूलवंती उन कलाकारों में से एक है? साहूकार आप आइए, अंदर आइए। आज इतनी सुबह? साहूकार को सुबह सुबह किसी के घर नहीं जाना चाहिए, लोग अशुभ मानते हैं। वो मानते होंगे जो देनदार हो, हम तो किसी के देनदार नहीं है। कल रात काफी देर से लौटे होंगे शास्त्री जी, अभी क्या उठे होंगे? सुना कल रात का नृत्य बहुत अद्भुत था। शास्त्री जी ने बताया होगा, अद्भुत क्या, अद्भुत से भी अद्भुत था। संगीत और नृत्य की दावत थी भाई साहब। श्रीमंत पेशवा बहुत खुश हो गए, भर भर के विदागी दी है, सारे पुना शहर में चर्चा शुरू हो गई है। वो तो कह रहे थे कि शास्त्री जी नृत्य और संगीत के इतने शौकीन, इतने जानकार होंगे, ये किसी को मालूम नहीं था। हम तो समझते थे कि हम ही एक समझदार हैं, लेकिन शास्त्री जी तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, नृत्य और ताल का इतना बारीक ज्ञान रखते हैं। सच? सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं भाई साहब, आंखों देखी बात कह रहा हूं। शास्त्री जी ने नर्तिका के नृत्य की खोट एकदम पकड़ ली। और श्रीमन के हाजिरी में भरी दरबार में उसे बेताला कह दिया। सच? और भी कुछ कहा? हमें बड़ी चिंता हो रही है, श्रीमन ने शास्त्री जी को बुलाया है। तो ये मामला है, मुझे तो भय है कहीं ये मामला तुल न पाले। हमें कोई भय नहीं है, लेकिन हमें है ना, एक तो श्रीमन बाजीराव पेशवा, दूसरे एक औरत कलावंत फिर फिरियादी। राजा का हर बुलावा एक आतंक पेश करता है। आतंक एक राजनीतिक के लिए हो सकता है, और हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आपका ना हो, लेकिन राजा का तो है। राजा का हर काम राजनीतिक होता है, ये क्या मैं आपको बताऊं? हमें तो धुआं तक नहीं दिखाई दे रहा, और आप कहते हैं आग लगी है। मालिक, हुजूर के बाड़े से बुलावा आया है, श्रीमंत आपका दर्शन करना चाहते हैं, पालखी भिजवाई है। हम तत्काल नहीं आ सकते, अभी हमारा स्नान और भजन पूजन होना शेष है। बेहद माफ शास्त्री जी, फौरन जाना नहीं हो सकता? नहीं साहूकार, हम राजा की आज्ञा मानते हैं, परंतु हमारे ठाकुर द्वारे में विराजमान राजा धीराज की अनुमति के बगैर हम घर से बाहर नहीं जा सकते। मैं आ गया चाहता हूं, दोपहर के बाद दर्शन करूंगा। ठीक है सेवक, तुम्हें रुकना होगा। आज सवेरे सवेरे बुलावा भेजने का मकसद क्या हो सकता है? मैं क्या जानू उस्ताद जी, श्रीमंत पेशवा राजा है, बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा, नहीं जाऊं? नहीं नहीं, जाना तो चाहिए ही, मियाना भिजवाया है। अब कुछ समझ में नहीं आता मुन्नी, कल रात तुमने खाना नहीं खाया, खुद को कोठरी में बंद कर लिया, क्या मुझे भी नहीं बताओगी? मैं फैसला कराऊंगी आज श्रीमंत पेशवा से। फैसला? किस बात का फैसला? उस्ताद जी, आप कितने बरसों से सारंगी बजा रहे हैं? मैं तो सारंगी लेकर ही पैदा हुआ था बेटी। आपने बरसों रियाज किया है, आज भी इस उम्र में भी आप 10-12 घंटे बजा लेते हैं, अंधेरे में बजा लेते हैं, आंखें बंद करके बजा लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने गज छुलाया हो और कोई भी सुर रत्ती भर भी ओछा पड़ गया हो? ऐसा हो ही नहीं सकता उस्ताद जी,
अगर आपको भरी महफिल में कोई ये कहे कि आपका पंचम थोड़ा ओछा था तो आप क्या करेंगे? मैं उसकी जुबान खींच लूंगा। मैं वही करना चाहती हूँ, सिर्फ श्रीमंत के हुक्म से करना चाहती हूँ। मगर हुआ क्या? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, जब होगा तब आप खुद ही देख लीजिए। फिर भी यूं तो मैं उनके चरणों का तीरथ भी पी सकती हूँ, लेकिन अपनी कला का अपमान नहीं सह सकती। मैं पुणे के शास्त्री पंडितों को यह दिखा दूंगी कि एक कलाकार की नाहक इज्जत उतारने का क्या नतीजा होता है। क्या कट गया महाराज? कटने दे रहे तो चाहे सिर काट दे, मगर जो देखने काबिल था वो देख ही लिया। क्या रूप, क्या बदन, क्या गला, क्या नाच। मायूर मैं नीर भरन नहीं जाऊंगा। तो महाराज, कल आप श्रीमंत पेशवा के दरबार में विराजमान थे। महाराज, हमने सुना है कि फूलवंती बाई गुलकन में सोने का चूरन घोल के खाती है, तभी तो वजन सुनहरा है उसका। केवड़े का पत्ता है रे। शादी ब्याह तो हो ही गया होगा, क्योंकि अब तक कौन मतलब क्या? उसने कानपुरे के संग ब्याह किया है, या शायद घुंगरू के संग, पता लगाएंगे। नार भट्ट, बहुत तोते उड़ा रहा है रे, तू क्या उसकी ढोलकी बजाता है? मालूम कुछ नहीं, बिना मतलब रौब झाड़ रहा है। तो तुझे मालूम है तो बता देना। बताऊंगा तो सुन के चक्कर खा जाएगा। अब बता ही दो ना महाराज, जी बहुत तड़प रहा है। क्या दाम देगा? चांदी का एक कलदार, कह दो ना महाराज के दो। और झूठ निकले तो? झूठ निकले तो दूना करके दाम वापिस, कह दो ना महाराज के। अब बता ही दो। तो सुनो, तुम्हारी फूलवंती नाच आज के लिहाज से 2 कौड़ी की बेताला है लड़की। नार भट्ट, निकाल कलदार, टेंट ढीली कर। झूठ है ये, खुद श्रीमंत ने उसकी तारीफ की, जबरदस्त तारीफ की, हमने अपने आंखों से देखा है। क्या गप झाड़ते हो विकम्बर? व्यंकटेश शास्त्री ने उसे बेताला कहा, कस्बिन के नाच को उससे अच्छा कहा, थत्ते शास्त्री ने समर्थन किया, दुंडी राज शास्त्री ने आंखें बंद कर ली थी, देखा नहीं जाता था इसलिए। तुम्हें क्या मालूम, तुम तो अस्तबल में थे, ये नहीं बताते किसके साथ थे। अब बोलो। इसके बाद की घटना हम बताए, लेकिन दाम 2 मोहरे बताए। दो मोहरे? ये तो महाराज बड़ा महंगा सौदा है, अब ऐसे ही बता दो ना। तो सुनो, तुम्हारी फूलवंती ने शास्त्री जी की शिकायत श्रीमंत के सामने की, अकेले में की, तो तुझे कैसा पता रही? ये पूना शहर है नारभट, यहाँ दीवारों को भी कान होते हैं। तुम लोग समझते हो कि सभी तुम्हें मालूम होता है, हमारी भी पहुंच है, संबंध है, समझे? ओम मम गणपतये नमः। एकदंताय विदमहे प्रतंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदंतं चतुरहस्तं पाशमं कुष्ठारिणं प्रदं च वरदं हस्तैर्विभ्राणं मूषकदशं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगंधारलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्। दूध तो पीते जाओ। रहने दो लक्ष्मी। रहने कैसे दे, ये तो प्रसाद है, पीना ही पड़ेगा। एक बात कहूं, श्रीमंत के सामने जाना हो रहा है। कोई पहली बार तो नहीं हो रहा, साहूकार की बातों से घबरा गई हो? डर नहीं, अगर वो कुछ कह दे तो सुन लूंगा,
जानता हूं कि राजा से बहस नहीं की जाती। और सुनो, जनार्दन शास्त्री आए, शायद एक धर्म निर्णय कराना चाहते थे। कहना संध्या में आए। जी। श्रीमंत आइए। राजे शास्त्री जी। नहीं श्रीमंत, अगर मेरे खिलाफ फरियाद की गई है तो मैं आपकी अदालत में बैठकर बोलने का अधिकारी नहीं रह गया हूं। मेरा अपराधी की तरह खड़े रहना ही उचित है। कृपा करके मुझे बताएं कि मेरे खिलाफ क्या फरियाद की गई है और किसने की है। शास्त्री जी, फरियाद एक कलावंत ने की है। कल हमारे महल में नृत्य गायन का आयोजन किया था, आप भी बता देते। जिस कलावंत ने नृत्य पेश किया उसने फरियाद की है। उसका कहना है कि भरे दरबार में आपने उसे बेताला कहा। शास्त्री जी, यह सच है श्रीमंत, मैंने उसे बेताला कहा। और मैंने ये भी कहा कि मेलों ठेलों में कूल्हे मटकाने वाली कस्बिन भी उससे अच्छा नाच लेती है। शास्त्री जी, फुलवंती बाई जैसी नृत्यांगना को, जिसका लोहा सारा हिंदुस्तान मानता है, जो एक खानदानी गायिका है, उसे आपने कह दिया कि बेताला है, कस्बिन से भी बदतर है। क्यों कहा? उसका क्या दोष था? नृत्य और संगीत में उससे ताल या सुर की क्या चूक हुई थी? आप ताल और सुर में क्या समझ रखते हैं? आपने हमारे दरबार में उसका अपमान किया है, जवाब दीजिए। श्रीमंत, मैंने सत्य कहा। जो मान के योग्य नहीं है उसका अपमान कैसा? और सत्य तो सत्य ही रहता है, चाहे फिर आपका दरबार हो या हमारा गली कूचा। रही ताल और सुर की समझ, तो मैं अपनी समझ के विषय में कुछ भी कह पाने में असमर्थ हूं। शास्त्री जी, फुलवंती बहुत नाराज हुए। तो फिर ये साफ जाहिर है श्रीमंत कि मैंने जो कुछ भी कहा उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। क्या मतलब? यही कि झूठ शर्मिंदा होकर बिल्ली की मानिंद आंखें बंद कर लेता है, और सत्य तीर की तरह सीने में चुभ जाता है, जिसका दर्द दहाड़ता है। श्रीमंत श्रीमंत, फुलवंती भाई दर्शन करना चाहती है। पहले उसे इंतजार करें। जी हुजूर। शास्त्री जी, आप नहीं जानते कि आपने हमें कौन से संकट में डाल दिया है। उसने शिकायत नहीं बल्कि फरियाद की है, और हमने उसे आश्वासन दिया है कि उसे न्याय मिलेगा। उसने हमें, आपको, पूना के न्यायासन को चुनौती दी है। तो फिर न्याय कीजिए श्रीमंत, अपराधी को दंड दीजिए। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि नर्तिका को न्यायासन के सामने बुलाया जाए। शास्त्री जी, हम आपका आदर करते हैं। आप हमारे दरबार के एक रत्न हैं। आप साक्षात विद्या स्वरूप है। हम फुलवंती को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप किसी दूसरे सिलसिले में किसी दूसरी के बारे में राय दे रहे थे। आपका लक्ष्य फुलवंती का अपमान करना नहीं था। अगर हम कहें तो मान जाएगी, परंतु मेरी आत्मा नहीं मानेगी। श्रीमंत, न्याय के काम में पक्षपात करना घोर अपराध है। श्रीमंत, आप मेरे लिए इतने छोटे ना बने। हम आपको खोना नहीं चाहते शास्त्री जी। आप प्रारब्ध को तो नहीं बदल सकते श्रीमंत। आप बड़े हट्टी हैं, जैसी गणेश जी की इच्छा। फुलवंती को हाजिर किया जाए। भाई, हमने शास्त्री से पूछा, वो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने तुम्हारे लिए वो शब्द कहे, लेकिन दृढ़ता से कहते हैं कि जो कहा वो बिल्कुल सच था। क्या मैं ये पूछने की जरूरत कर सकती हूँ कि मेरे बारे में
मेरी कला के बारे में जो फतवा दिया गया उसका क्या आधार है? श्रीमंत, इन्होंने संपर आने में कई बार गलतियां की, परंतु इनके तबलची ने इन्हें हर बार खूबसूरती से संभाल लिया। ये ताल की कच्ची है, इसीलिए मैंने बेताला शब्द का प्रयोग किया था। हुजूर, क्या मुझे यह समझने का मौका मिलेगा कि मैंने किस तरह गलती की थी? मैं नर्तक नहीं हूं कि उदाहरण देकर दिखा सकूं। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन अगर बयां करने की पात्रता नहीं तो बानर अदरक का स्वाद चखे ही क्यों? फुलवंती भाई, होश रहे, तुम किसके रूबरू खड़ी हो? आइंदा ऐसी गुस्ताखी ना हो। किसियानी बिल्ली के नोचने से पत्थर के खंभे का कुछ नहीं बिगड़ता श्रीमंत। इन्हें अपने दिल का गुबार निकालने का पूरा पूरा मौका दें। फुलवंती भाई, ये मत भूलो कि एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने में प्रवीण होता है, और वो भी एक कलाकार ही है जो प्रदर्शित की हुई कला का मूल्य अंकता है। दोनों अपने अपने जगह सही होते हैं, हमारे लिए दोनों का ही महत्व है। हुजूर, लेकिन अगर मूल्य ही कम आंका गया हो तो? तब तो एक ही रास्ता है, फुलवंती भाई नृत्य करे और शास्त्री जी उसका मूल्यांकन करें। मुझे मंजूर है। हुजूर, अगर जानकार परीक्षक नियुक्त करे तो मुझे भी मंजूर है। ऐसा ही किया जाएगा। हुजूर, आप इस बात का फैसला भी अभी करने की कृपा करें कि हारने वाले को कौन सा दंड दिया जाए तो बेहतर होगा। शास्त्री जी, श्रीमंत ये दंड तजवीज करें, मुझे कोई इतराज नहीं है। हुजूर, मैं एक घड़ी तक नृत्य करूंगी, अगर मैं ताल चूक जाऊं तो मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं ये व्यवसाय बंद कर दूंगी और जिंदगी भर शास्त्री जी के चरणों की दासी बनकर रहूंगी। शास्त्री जी, मुझे इनकी शर्त मंजूर है श्रीमंत, और मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि यदि मैं इनकी चूक न दिखा सकूं तो आपने दिन में भी मशाले जलाकर पालकी की सवारी करने का जो सम्मान मुझे दिया है वो मुझसे छीन लिया जाए। मुझे इनकी शर्त पर एतराज है हुजूर, इनका सम्मान छीन जाने से मुझे क्या मिलेगा? अपमान मेरा हुआ है, सजा देने का अधिकार भी मेरा होगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? हुजूर, अगर मेरी गलती ये ना दिखा पाए तो मैं अपने पांव के घुंघरू इनके पांव में बांधकर इन्हें सारे पुना शहर में नचाऊंगी।